गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस फॉर उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जूलॉजी में पेपर फर्स्ट अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ाने चल रहे हैं। अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में आपका मतलब ही है कि आर्थिक महत्व, जूलॉजी में आर्थिक महत्व क्या है, और अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में जो टॉपिक हम लिए हैं वो है आपका लॉक कल्चर से, कि लॉक इंडस्ट्री में लॉक का क्या महत्व है और हमारे जूलॉजी में लॉक का क्या महत्व है, और इसके साथ साथ ये लॉक कल्चर किस लिए महत्व है। जैसा कि हमने आपको बोर्ड पे दिखाया भी है कि लॉक कल्चर जो होता है वो आपका रामायण या महाभारत में जो अथर्ववेद से रिलेटेड है, संस्कृत वर्ड है अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो यहाँ पे जो अथर्ववेद है उससे संबंधित जो है आपका ये लॉक कल्चर को दिखाया गया है संस्कृत की भाषा में। इसके बाद फिर आपका जो मुस्लिम लोग अपना दिखाए हैं, तो एक एक साइंटिस्ट के आधार पे लॉक कल्चर को डिफाइन किया गया है, लॉक कल्चर को दिखाया गया है। तो छात्रों, यहाँ पे लॉक कल्चर्स, लॉक इंसेक्ट एंड देयर प्रोडक्ट हैव बीन नोन टू नेचुरलिस्ट सिंस वेरी अर्ली टाइम। ये जो है आपका बहुत ही प्रारंभ में पूर्वतः जो है ये आपका एक नेचुरलिस्ट, एक प्राकृतिक तौर के आधार पे जो है लॉक कल्चर के प्रोडक्ट को जो है दिखाया गया। द लॉक हैज़ बीन रेफर्ड इन एशियंट संस्कृति वर्क्स। जो लॉक कल्चर है, जो लॉक है वो प्राचीन समय में जो है एक सांस्कृतिक वर्क दिखाया गया, सांस्कृतिक आपका जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि संस्कृत वर्क्स, सांस्कृतिक कार्य के आधार पे इसको अथर्ववेदा, अथर्ववेद जो दिखाया गया, जो आपका वेद होते हैं, और वेद क्या है कि एक तरीके से महाभारत के आधार पे जो है वेद बनाया गया, कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरीके से जो वेद है, तो वहाँ पे अथर्ववेद इन देव 1950 एंड हूरा 1952, तो एक तरीके से दो वैज्ञानिक हैं जो कि देव हैं 1950 में और होरा 1952 ईस्वी में अथर्ववेद के नाम रख करके जो है लॉक को प्रस्तुत किया था, एंड वाज कॉल्ड एज लक्षा। तो वो जो है अथर्ववेद के हिसाब से, और लक्षा जो है कि लक्षा वर्ड्स आपका जो है कि एक तरीके से महाभारत जो है उसके आधार पे जो है दिखाया गया, जो सीरियल्स महाभारत आते हैं तो उसके आधार पे इसको लक्षा नाम दिया गया, जो अथर्ववेद के अनुसार इट इज़ मेंशन्ड इन महाभारत दैट लक्षा गृह। जैसे कि जो मेंशन किया गया महाभारत में कि लक्षा गृह, महाभारत दैट लक्षा गृह, लक्षा गृह का नाम आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, तो ये एक तरीके से लॉक कल्चर में इसको मेंशन किया गया कि लाक्षा गृह क्या है, और लाक्षा गृह एक तरीके से लॉक कल्चर के अंतर्गत, और वो भी महाभारत के अंतर्गत इन्होंने मेंशन किया है। वाज मेडअप ऑफ द लॉक, लाक्षा गृह वाज मेडअप ऑफ लॉक विच वाज प्रिपेयर्ड बाई, किसमें प्रिपेयर किए गए, कौरवा फॉर पांडवा। कौरव और पांडव का नाम भी सुने होंगे कि महाभारत में आपके कौरव और पांडव हैं, जो कि उन्होंने ही लॉक को प्रिपेयर किया, कि हमने आपको दिखाया ना कि आपका लाक्षा गृह वाज मेड अप
ऑफ लाग, लाचागृह में जो मेडअप किए गए हैं लाग, विच वॉज प्रिपेयर्ड, कौन प्रिपेयर्ड किया था, कौरव ऑफ आर पांडव, कौरव और पांडव जो कि आप कौरव और पांडव का नाम जो है महाभारत में आपने सुना होगा, तो वो लोग क्या किए हैं कि लाग को जो है एक तरीके से प्रिपेयर्ड किए हैं। अबुल फजाल जो कि आपका साइंटिस्ट हैं अबुल फजाल इन 1519 इन हैज़ फेमस बुक एनी अकबरी, नाम भी सुने होंगे, आपका जो मेन है एनी अकबरी जो है कि मेन आपका जो लॉक इंडस्ट्री में उन्होंने एक तरीके से बुक को फेमस किया, प्रसिद्ध किया, एनी अकबरी हैज़ मेंशन इन डिटेल अबाउट द लॉक इंडस्ट्री इन इंडिया, तो लॉक इंडस्ट्री जो भारत में पाए गए उसमें उन्होंने एनी अकबरी का नाम जो है मेंशन किया। छात्रों इस तरीके से आपका जो अभी तक हम आपको लॉक कल्चर का जो है एक तरीके से इंडस्ट्री आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे लॉक कल्चर जो मेंशन किए गए हैं। तो अभी देखिए अबुल फजाल जो है, और इसके पहले हमने आपको दिखाया देव और होरा भी दिखाए कि इन्होंने सांस्कृतिक वर्क में लाख का इस्तेमाल किया कि संस्कृति जो संस्कृति है उसमें क्या कार्य है, जैसे वेद में चाहे वो अथर्ववेद में उन्होंने देव और होरा ने दिखाया कि लाख का किस तरीके से यूजेस किया गया, किस तरीके से मेंशन किया गया। इसके बाद जो है महाभारत में लाख का जो है प्रिपेयर कौरव और पांडवों ने किया कि प्रिपेयर्ड किया, और जो लाचागृह है उसका निर्माण जो है लाख के द्वारा ही किया गया। और उसके बाद जो है अबुल फजाल ने भी लाख कल्चर में ही अपनी एक बुक को फेमस किया, जो बुक का नाम है एने अकबरी हैज़ मेंशन्ड इन डिटेल अबाउट द लाख इंडस्ट्री इन इंडिया, कि हमारे भारत में जो लाख का जो है इंडस्ट्री है उसमें जो है उन्होंने मेंशन किया, अच्छे तरीके से किया। तो छात्रों हमने आपको लाख कल्चर के बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता दिया कि लाख जो है हमारा नेचुरल है, प्राकृतिक है, और वो अर्ली टाइम में जो है दिखाया गया, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है कि लाख कल्चर क्या है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया। तो अब मेनली अब आगे हम आपको बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो लाख कल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है आपका विस्तार विवरण, कैसे लाख का विवरण दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इंडिया हैज़ इन मोनोपोली आर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लाख, इंडिया हैज़, तो यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया हैज़ मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लाख, मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लाख, जो प्रोडक्शन दिखाते हैं वो आपका लाख है, कि इंडिया है द मोनोपोली, मोनो मतलब आपका सिंगल, मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ लाख। अदर कंट्री लाइक कौन सी कंट्री है, अदर कंट्री लाइक अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील। तो छात्रों ये आपका जो विस्तार किया गया है कि इंडिया के अलावा अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील में भी लाख का प्रोडक्शन किया जाता है, ब्राज़ील।
श्रीलंका, चाइना, ब्राज़ील के अलावा भी श्रीलंका है, श्रीलंका, और इसके बाद चाइना में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपके जो क्या कहते हैं कि इनका जो इंडिया के अलावा जो है इन सब क्षेत्रों में जो है लाख का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा बिहार है, रांची है, दिल्ली है, गुजरात है, एक तरीके से हर जगह जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है लाख का। अब लाख की में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लाख का जो यूजेस है ऑर्नामेंटल्स मटेरियल्स में, ज्वेलर्स में, इन सब जगह जो है लाख का जो है इस्तेमाल किया जाता है छात्रों। तो यहाँ पे हम जो लाख की बात करते हैं, लाख में जो सोने चांदी में इसका जो एक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है इसमें कई थाईलैंड बिकम मेन कंपटीशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ लाख, मतलब कि एक तरीके से इंडिया में जो एक्सपोर्ट है उस पर कंपटीशन भी किए जाते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अब हम इसको आगे की तरफ हम लेके चल रहे हैं आपको, वो भी है लाख इंसेक्ट का सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजिशन बताएँगे आपको। तो अभी तक तो आपने लाख इंसेक्ट के बारे में आपने पढ़ा कि लाख इंसेक्ट का जो मेनली समरी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो उसके बाद हमने आपको बता दिया कि यह संस्कृत की भाषा में आपको जो है अथर्ववेद से रिलेटेड आपके जो है दिखाए गए हैं। तो अब अथर्ववेद के अलावा जो है आपका आयने अकबरी जो फेमस बुक है अफजल आपके दिए थे, तो उनका भी हमने नाम आपको बता दिया। अब जो है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ लाख इंसेक्ट का, लाख इंसेक्ट जो है उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि अगर देखा जाए कि जो हम यहाँ पे अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें टोटल आपके इंसेक्ट आते हैं, और इंसेक्ट में हमने आपको दिखाया कि इंसेक्ट जब आते हैं तो सबसे पहले हम लाख कल्चर का सिस्टमेटिक पोजीशन, जो इसका क्लासिफिकेशन, जो इसका वर्गीकरण है, उससे हमें पहचान मिल जाएगी कि लाख कल्चर जो है, जो लाख इंसेक्ट है किस फाइलम का है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा होगा, इसका क्लास इंसेक्टा। आर्डर इंसेक्टा आर्डर हेमिपटेरा और जीनस इसका होगा जीनस टेक्रेडिया और स्पीसीज लक्का। तो छात्रों टेक्रेडिया आपका जीनस है, स्पीसीज आपका लक्का है। अब यहाँ पे फैमिली आती है, किस फैमिली, लैसिफेरिडी। अब यहाँ आप डायग्राम लिख सकते हैं कि इसका जो फैमिली है, फैमिली लैसिफेरिडी है इसका जो फैमिली है। तो यहाँ पे लैसिफेरिडी
तो एक तरीके से छात्रों जो यहाँ पे मेन आपका, जैसे हमने आपको बताया कि सिस्टमेटिक पोजीशन में कि इसका जो फाइलम है वो आपका आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में टोटल इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है और इंसेक्ट का जब अध्ययन किया जाता है तो उससे ही आपको क्लियर हो जाता है कि इनका जो फाइलम या संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। और इसके साथ साथ आपका इंसेक्टा क्लास है, आर्डर हेमिप्टेरा है, जीनस टेक्रेडिया है और स्पीसीज जो है लक्का है। और इसमें फैमिली जो है पूछा जाता है कि जो मेन आपका लाक इंसेक्ट के फैमिली क्या है, कि लाक जो कल्चर किया जाता है उसकी फैमिली क्या है, तो यहाँ पे लैसी फ्रेडी है। तो लैसी फ्रेडी जो इसका फैमिली है कि यह किस परिवार से बिलोंग करता है, तो इसका हमने आपको दिखा दिया कि फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीसीज और फैमिली। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, आर्डर क्या है, जीनस क्या है। इसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में, इस इंसेक्ट के बारे में अच्छे से जो है इसका वर्णन कर सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। तो छात्रों अभी हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सिस्टमेटिक पोजीशन बताया, अब जो है जो इसमें इनका जो स्ट्रक्चर है, कि स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि लाक के स्ट्रक्चर में दो जो संरचना है इसमें आपके मेल और फीमेल आएंगे। तो सबसे पहले यह है कि हम लाक इंसेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि लाक इंसेक्ट प्रीवियसली नोन एज लैसीफर लक्का इज ए माइन्यूट रेजिनस क्रावलिंग स्केल इंसेक्ट विच इज द इंसर्ट इट्स बीक इन टू द प्लांट टिश्यू सक जूस एंड ग्रो एंड सीक्रीट लाक फ्रॉम द हिंड एंड ऑफ द बॉडी। इट इज ऑन द बॉडी अल्टीमेटली गेट कवर्ड विथ लाक इन द सेल। क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है वह उसके लाक सेल से ही लाक जो है सीक्रेट होता है। तो इसमें जो मेन है क्या है कि लाक इंसेक्ट प्रीवियसली नोन एज लक्का, क्या है लक्का है इसका नाम है कि लाक इंसेक्ट प्रीवियसली नोन एज लैसीफर लक्का। लक्का आप तो लैसीफर कह सकते हैं, लैसीफर लक्का इज ए माइन्यूट रेजिनस जिसमें रेजिन आपके पाए जाएंगे, रेजिनस क्रावलिंग इंसेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रावलिंग स्केल इंसेक्ट स्केल इंसेक्ट एक तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि संरचना है कि लाक इंसेक्ट प्रीवियसली नोन एज द लैसीफर लक्का। इसका नाम दिया गया है कि लैसीफर लक्का जो लाक इंसेक्ट है उनका नाम है इज ए माइन्यूट रेजिनस क्रावलिंग स्केल इंसेक्ट। जो इंसेक्ट हैं इनके जो एक तरीके से रेजिनस क्रावलिंग स्केल टाइप के हैं। और उसके बाद जो है which injured its beak into plant tissue suck juice। एक तरीके छात्रों यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो इंजर्ड करते हैं बीक इनटू प्लांट टिश्यू सक जूस एंड ग्रो एंड सीक्रेट लाक सक जूस एंड ग्रो लाक सीक्रेट
ये लाख को जो है सिक्रीट करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ये प्लांट टिश्यू या जो सकिंग करते हैं जूस मटेरियल को, तो वो सिक्रीट क्या करते हैं, लाख। जो लाख हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो लाख है, इसी को ये प्लांट से रेजिनस क्राउलिंग हमने इंसेक्ट कहा कि ये प्लांट के जो रेजिन मटेरियल्स हैं और जो जूस इनका है, उसको ये लाख इंसेक्ट जो है सिक्रीट करते हैं। इसके बाद वो लाख को प्रोड्यूस करते हैं, लाख को उत्पन्न करते हैं, सिक्रेट लाग फ्रॉम द हिंड एंड ऑफ द बॉडी, सिक्रेट फ्रॉम हिंड एंड द बॉडी, एंड द बॉडी वो क्या है कि बॉडी से जो है करते हैं जो है एक तरीके से सक जूस एंड ग्रो लाग सिक्रेट फ्रॉम हिंड एंड द बॉडी। वो इंसेक्ट अपने हिंड पार्ट से जो है उसको जो है लाख को सिक्रीट करते हैं। अब इसके बाद जो है द ओन बॉडी अल्टीमेटली गेट कवर्ड विथ लाख इन द सेल। एक तरीके से जो लाख है वो आपका कवर्ड लाख सेल से, वो एक तरीके से लाख सेल से आप जो है उत्पन्न करते हैं, लाख सेल होते हैं जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका मेल। अब यहाँ पे जैसे हम अगर दिखाएं तो अब मेल है, तो मेल और फीमेल दो होते हैं छात्रों। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई भी इंसेक्ट है तो अगर उसकी संरचना बनती है तो सबसे पहले मेल और फीमेल जब आएंगे तभी वह सिक्रीशन ऑफ लाख अलग से, क्योंकि हमेशा फीमेल ही लाख को प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जो लाख इंसेक्ट की जो संरचना है उसमें मेल और फीमेल दो आएंगे, दो इंसेक्ट आएंगे, जो कि मेल क्या क्या साइज है और फीमेल की क्या साइज है, मेल का कलर कैसे हम पहचानेंगे कि यह मेल है और ये फीमेल इंसेक्ट ऑफ लाख हैं। तो सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। तो मेल में क्या है कि मेल इज रेड इन कलर, मेल इज रेड इन कलर। तो जो मेल इंसेक्ट है उसकी जो उसका कलर है वो रेड है, मेल का जो कलर है वो रेड कलर का है। एंड 1.5 mm इन लेंथ। इस कीड़े का जो लंबाई है वो आपका 1.2 से लेकर के 1.5 mm मीन्स मिलीमीटर इन लेंथ। इट सिक्रीट ब्राइट क्रीमी लाक, इट सिक्रीट ब्राइट क्रीमी लाक। यह एक तरीके से चमकीला जो है क्रीम के आकार का जो है लाक उत्पन्न करते हैं, ब्राइट क्रीमी लाक। इट हैज़ रिड्यूस्ड आई एंड 10 सेगमेंट इट हैज़ रिड्यूस्ड आई एंड 10 सेगमेंट एंटीनी, 10 सेगमेंटेड एंटीनी। इसमें टोटल जो है आपके 10वें सेगमेंट में एंटीनी आपके पाए जाएंगे, और यहाँ पे इनमें जो आँखें इनका वो बिल्कुल रिड्यूस्ड है। और इसके बाद जो है द माउथ पार्ट आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग
एंड सकिंग टाइप, सकिंग टाइप। इसमें जो मेनली जो इनका इंटरनल पार्ट्स है, जो इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेल की जो संरचना है, तो मेल में जो कलर इनका है रेड है, और इसमें जो इनकी लंबाई है 1.2 से 1.5 mm, और ये जो सिक्रीशन करते हैं ब्राइट क्रीमी लॉक, और इसमें जो इनके मेल की जो आंखें होती हैं, और उसके बाद इसमें दसवें खंड पे एंटीनी पाए जाते हैं, और इनका जो माउथ पार्ट है वो पियर्सिंग एवं सकिंग टाइप का है। एक तरीके से इनका जो मेन है वो माउथ पार्ट से ही ये जूस को सकिंग करते हैं, और जूस को सक करने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि सेल से जो है लाक तैयार करते हैं। ये तो मेल का जो मेन आपका जो स्ट्रक्चर है। थोरेक्स बियर्स थ्री पेयर ऑफ लेग्स, इसमें जो है आपके थोरेक्स पार्ट में थ्री पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड वन पेयर ऑफ द हाइलाइन विंग्स, और एक पेयर्स आपके जो है विंग्स पाए जाते हैं। तो इसमें हमको आपको दिखा सकते हैं कि थोरेक्स, थोरेक्स बियर थ्री पेयर, थ्री पेयर लेग्स एंड वन पेयर्स, एंड वन पेयर हाइलाइंस विंग्स। ये मेन पार्ट्स हो गए जो कि पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे दूसरा फीमेल्स जो है इंसेक्ट के बारे में। तो छात्रों यहाँ पे अभी हमने आपको लॉक कल्चर्स में जो स्ट्रक्चर में आपको मेल इंसेक्ट बताया, अब जो सेकंड है आपका फीमेल इंसेक्ट है। तो फीमेल इंसेक्ट में जैसे अभी हमने आपको मेल का कलर बताया, साइज बताया, उस तरीके से यहाँ पे फीमेल इंसेक्ट में भी फीमेल का जो मेन कलर, और यह सबसे पहली बात यह है कि मेल से जो है लार्ज है, तो फीमेल इज़ लार्जर देन मेल, फीमेल इज लार्जर देन मेल, इज लार्जर देन मेल। यह आपके मेल के अपेक्षा थोड़ा सा साइज में जो है बड़े होंगे। इट इज मेजर अबाउट 4 to 5 mm इन लेंथ, इट इज मेजर अबाउट 4 to 5 mm, 4 to 5 mm इन लेंथ। अभी आपने मेल में देखा था कि 1.2 mm लेंथ था, यहाँ पे 4 to 5 mm लेंथ है। द पायरीफॉर्म बॉडी ऑफ द फीमेल इज इनक्लोज रेजिनस सेल्स, इसमें आपके जो है बॉडी जो है वो रेजिनस सेल्स से बना होगा। और इसके बाद जो है कि इसमें मेल जो है द हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन एंड नॉट क्लियरली डिस्टिंक्ट, तो फीमेल में जो बॉडी में है वो आपका हेड पार्ट्स और एब्डोमेंस, और जो है कि हेड थोरेक्स और एब्डोमेन तीनों पार्ट्स जो है नहीं पाए जाते हैं, हेड एब्डोमेन एंड थोरेक्स इज नॉट क्लियरली, इज नॉट क्लियरली, इसमें तीनों पार्ट जो है नहीं होते हैं, जो कि मेल में आपके क्लियर पाए जाते हैं। तो अंतर वो भी गया कि फीमेल जो है मेल से बड़ा हो गया, और उसके बाद इसमें जो आपके लेंथ है वो मेल की अपेक्षा फीमेल का साइज भी बड़ा है जो लंबाई, और इसके बॉडी में जो है आपके हेड एब्डोमेन एंड थोरेक्स जो है क्लियर नहीं पाए जाते हैं। द माउथ पार्ट्स आर, द माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, द माउथ पार्ट पियर्सिंग
एंड सकिंग टाइप, एंड सकिंग टाइप दोनों में मेल और फीमेल में इसी टाइप के जो है माउथ पार्ट होते हैं जो कि जूस मटेरियल को सक करने के लिए जो है इसमें आपके पियर्सिंग टाइप का जो है माउथ होता है, जिससे वो होस्ट प्लांट पे ही पैरासाइट होकर के और प्लांट के जूस मटेरियल को जो है सिक्रीट करते हैं और सिक्रीट करके बाद अपनी बॉडी से जो लार्व सेल्स होते हैं उसे लार्व जो है सिक्रीट कराते हैं। द एंटनी आर क्लियरली विजिबल, द एंटनी एंटनी क्लियरली एंड विजिबल, क्लियरली एंड विजिबल एंड डीजनरेटेड, विजिबल एंड डीजनरेटेड। अभी तक आपने मेल में जो है आपके दसवें खंड पे एंटनी क्लियर पाए गए थे और यहाँ पे जो है आपके एंटीनी जो है क्लियर भी है, विजिबल एंड डिजनरेटेड भी दिखा रहा है। द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी है द मीडियन एंड टू लेटरल प्रोसेस, द लेग्स आर इन डिजनरेटेड फॉर्म, जो लेग्स होगा वो भी डिजनरेट होगा। तो इस तरीके से हमने आपको मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर बताया। अब इसमें अगला पॉइंट है कि यह मेल और फीमेल किस प्लांट पे जो है होस्ट करेंगे, किस प्लांट पे पैरासाइट होकर के लार्व को जो है दिखाएंगे, लार्व को सिक्रीट करेंगे। तो इसमें हम कुछ होस्ट प्लांट के नेम भी आपको बता देते हैं। होस्ट प्लांट्स में आपके लगभग 14 है, जो कि 14 प्लांट्स दिखाए गए हैं, 14 प्लांट्स। अब इसमें जो पहला प्लांट्स है, फर्स्ट, वो है आपका कुसुम, सेकंड है आपका बबुल, थर्ड्स बेर, फोर्थ पलास। तो छात्रों ये आपके निम्नलिखित जो प्लांट है, जो 14 प्लांट्स हैं जिससे ये आपका जो है लार्व सिक्रीट करते हैं, तो जो कुसुम है, बबूल है, बेर है, पलास है, चौथा फाइव है घोंट्स। इस तरीके से हम आपके प्लांट के नेम बता रहे हैं, घोंट्स, खैर, खैर की बात है आपका पीपल है, गूलर है, पीपल, पीपल के बाद है आपका गूलर। तो ये सारे प्लांट्स जो है आपके दिखाए गए हैं कि किससे ये जो है कि मेन आपका जो एक तरीके से जिससे लाख जो है इनसे सिक्रीट करते हैं। नौ प्लांट्स है पाकपी, पाकपी, और दसवां प्लांट का नाम है पाकपी के अलावा जो है पुतकल, पुतकल, और 11 है आपका मैंगो, मैंगो के बाद आपका जो है ये साल है, शीशम है, साल, 13 आपका शीशम, और 14 है फिग। ये आपके 14 प्लांट है जिससे लार्व का सिक्रीशन किया जाता है। तो अब जैसे अब इसमें कुछ साइंटिफिक नेम भी है, इसके जो वनस्पतिक नाम है, जो बॉटेनिकल नेम है, जैसे मैंगो का है तो मैंजीफेरा इंडिका है, अगर आप दिखा सकते हैं इसको, तो मैंजीफेरा फेरा इंडिका इसके आप बॉटेनिकल नेम हैं। तो अब इसी तरीके आपका शीशम है, फिग है, और कुसुम, बबूल, बेर, पलास, घोंट, खैर, पीपल, गूलर, इन सब प्लांट्स जो है लार्व का सिक्रीशन
करते हैं जो लाख इंसेक्ट हैं, इन 14 प्लांट में जो है वो अपना जो है परजीवी होकर के उसके जूस मटेरियल को सकिंग करते हैं, और सक करने के बाद जो है इसको एक तरीके से लाख जो है प्रिपेयर करते हैं छात्रों। तो आज का जो टॉपिक था हमारा लाख कल्चर में सिस्टमेटिक पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ लाख इंसेक्ट का, इस तरीके से टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।